कैसे मुंह छुपा रहा है देखो। डीप 390 VS4 पड़ा हुआ है घर में, खतरनाक घुसा है। लेकिन इतना लंबा काटा घुस गया था। वो तुम यहाँ रखेंगे ना ऐसे में कितना दूर तक जाएंगे वे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:30 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ राजगमपुर RGP। तो क्यों जा रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ आपको। तो गाइस, अपना जो दोस्त है आशीष बोल के, जिसका ड्यूक 390 है, तो उसका बाइक काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है उसके घर में। तो गाइस, बात ऐसा है कि उसका बाइक मतलब ख़राब हो गया है, तो जो पार्ट्स ना मिलने के वजह से घर में पड़ा हुआ है उसका बाइक, और पार्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है और कल ही पार्ट्स उसको मिल गया है, डिलीवरी हो गया है पार्ट्स। तो हम बाइक को लेकर राउरकेला KTM शोरूम सर्विस सेंटर आएंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। पहले तो अभी मैं जा रहा हूँ उसके पास, उसका बाइक को लेके आएंगे साथ में, क्योंकि उसका बाइक में जो प्रॉब्लम दिखा रहा है, लो प्रेशर, ऑयल प्रेशर लो बोल के दिखा रहा है, पता ही नहीं ऐसा क्यों दिखा रहा है। शायद ऑयल नहीं पहुंच रहा होगा, इसलिए वो जो पार्ट्स था वो सर्विस सेंटर में भी अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए वो ऑर्डर कर दिया है ऑनलाइन और आ भी गया है पार्ट्स। तो कल ही मिला उसको पार्ट्स, तो आज मैं जा रहा हूँ उसके पास। तो अपना दोस्त आशीष का बोलना ये है कि वो बाइक तो कभी भी बंद हो सकता है बीच रोड में, तो एक बंदा साथ में रहना ज़रूरी है, इसलिए मैं ही जा रहा हूँ, और क्या कर सकता हूँ, और कोई है नहीं। तो हैरिस को बोला था, वो नहीं आ पाऊँगा बोला, तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ। तो पहले हम पहुँचते हैं उसका घर, फिर उसके बाद देखते हैं लेके आएंगे, तो देखते हैं कैसे लेके आ पा रहे कि नहीं आ पा रहे। बाई चांस बीच में कुछ हो गया तो वो भी रिस्क है। तो गाइस, ब्लॉग में एंड तक बने रहो। गाइस, मैं राजगमपुर पहुंच चुका हूं। किस चीज़ के लिए फेमस है मेरे को नहीं मालूम, जो RGP के होंगे उनको पता होगा अच्छे से, तो कमेंट करना गाइस, जो भी राजगमपुर के हो, राजगमपुर और किस चीज़ के लिए फेमस है बताना मेरे को कमेंट में। तो हम इधर ही से जा रहे हैं, क्योंकि उधर जामपाली से भी रोड है, बट उधर से जाने से सारा बम्पर इतना है ना भाई, बोर लग जाता है, बहुत सारा बम्पर है उधर, इसीलिए हम इधर से जा रहे हैं। मैं पहुंच गया हूं आशीष के वहां, तो अभी आ रहा है वो, उसको बुला लिए हैं बाहर। आवे उधर क्या करेंगे, गाड़ी नहीं निकाला है क्या यार? कहाँ रखेंगे गाड़ी? कैसे मुंह छुपा रहा है देखो। मुंह छुपा रहा है, लड़की जैसे शर्मा रहा है। हाँ, तो ये देखो उसका ड्यूक 390 VS4 पड़ा हुआ है घर में, आज देखते हैं बन रहा है कि नहीं आज बाइक भी। अभी पहले तो हम इसको खोलेंगे टायर, अगर उसके बाद चलेंगे। अभी तो बारिश ख़त्म हो चुका है, तो इसको रख के क्या ही करेंगे, थोड़ा लुक ख़राब कर दे रहा है बाइक का। यहाँ पे तो बोल्ट नहीं है वे, हाँ निकल गया पिछले बार, फिर से गिर गया। तो गाइस, इसको निकालते हैं, उसके बाद निकलते हैं। ये वाला है, हो गया, अच्छा हुआ वो वाला नहीं है, नहीं तो फिर कितना
कितना दिन हो गया रे तेरे को देख के वाला रील बनाना। कितना दिन हुआ बता तो भाई, जो बाइक लवर है वही समझ सकता है। एक दिन बाइक ना चलाओ या फिर ना देखो तो कैसा फील होता है। तो अब देखते हैं आज बाइक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं तो फिर इतना टाइट करवा दिया है तुम, इतना हैवी टाइट किया है। उधर का बोर्ड तो अलग है, पहले से ही नहीं था क्या रंकी? आज मैकेनिक बन गए हैं हम आशीष का ना। इसका खर्चा तो लेंगे हम। किसी को अगर बुलाना है मैकेनिक बाइक का काम के लिए तो मेरे को बुलाना जरूर, बस खोला खोली करने के लिए, बस खोलने के लिए बुलाना, बाकी मेरे को नहीं आता है कुछ, बस खोलना आता है। तो अगर खोलना होगा तो बुलाना मेरे को, डीएम करने इंस्टा में ना आशीष। अगर किसी को बाइक खुलवाना हो तो बुला सकता है मेरे को, बस बाइक बस मतलब खाली बाइक खुलने के लिए। हाँ तो गाइस अभी देखो क्या ही सेक्सी लग रहा है भाई, डोप लग रहा है डोप ना, अभी लुक निखर के आ रहा है बाइक का। हाँ अभी देखते देखते आदत हो जाएगा ना लंगटा को। चल हो गया, तो दिखा तो गाइस ये पार्ट्स देख सकते हो, यही वाला शायद लगेगा। मेरे को भी नहीं मालूम ये सब के बारे में, जब सर्विस सेंटर में लेके जाएंगे तभी पता चलेगा। इतना ही था ना? हाँ इतना ही था। ये वाला अंदर लगेगा ना? तो नहीं पता कैसे लगेगा। चल कि जैसे भी लगेगा उधर लगाएंगे और क्या, सर्विस सेंटर में। तो गाइस निकलते हैं अभी फटाफट, पानी वानी पीते हैं, उसके बाद सर्विस सेंटर में देखते हैं बाइक भी चल रहा है कि नहीं। बाइक चलेगा तो दिखा, तो ऑन करना, चाबी ला तो देखते हैं ऑन हो रहा है कि नहीं। ऑन तो हो रहा है लेकिन स्टार्ट हो रहा है कि नहीं देखेंगे। इसको रख दे, इसको 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 रेडी टू रेस स्टार्ट करे क्या? करे थोड़ा दूर चलने से। मतलब देखो यहाँ जब दिखा रहा था ना, कहाँ जब यहाँ दिखा रहा था ऑयल प्रेशर लो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब यहाँ दिखा ना मेरे को तब मेरे को डर लगा। यहाँ तो मेन होता है ना, यहाँ दिखाता पर खत्म ही वाला सिचुएशन दिखाता, मतलब भरा हुआ है तेल नीचे लेकिन इधर ऊपर नहीं पहुँच रहा। बहुत दिन के बाद आज बाइक निकाला है ना। तो गाइस फटाफट से चलते हैं अभी राउरकेला सर्विस सेंटर।
हवा पूरा कम है। चल किधर से जाएंगे? हाँ किधर से जाएंगे? चल तो गाइस चलो मिलते हैं हम लोग हाईवे में। देखो भाई कांटा घुस गया है, कितना बड़ा खतरनाक घुसा है। लेकिन अभी आते टाइम घुसा होगा। हाँ देख सकते हैं कितना खतरनाक घुसा है, पूरा जाम कर दिया है। भाई आते टाइम नहीं था कांटा, मतलब घर में तो नहीं था, शायद अभी घुसा होगा। देख सकते हैं कितना लंबा कांटा घुस गया था। भाई साहब पूरा फ्रेश काटा। तो अपना भाई तो बोल रहे हैं गाड़ी को ढकेलना पड़ेगा आधा दूर, तो देखते हैं क्या हो रहा है, कितना दूर तक जा रहे हैं। भाई सही में टेल टायर निकाल देना सा ना, क्या ही सेक्सी लुक आता है बाइक का। अपना बाइक का भी टेल टायर निकल गया है, स्टॉक वाला तो क्या ही खतरनाक लग रहा है भाई, देख के मन नहीं भरता है, बार बार देखते रहो जैसा लगता है नज़र के सामने जिगर के पास वो हो तुम वो हो तुम वो हो तुम। ढक लेंगे कि बंद करेगा गाड़ी? गाड़ी बंद करेगा? बंद करता तो गाइस अभी ढकेलना पड़ेगा। होगा बे? हाँ नहीं बनेगा बे? हाँ यहाँ रखेंगे ना। चल रुक बे, मेरा पैर फंसेगा यहाँ। चल 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 फिर हम गियर चेंज कैसे करेंगे बे? रुक मेरे को डर लग रहा है, बस गाड़ी मेरा उधर तेरा उधर सट ना जाए। ऐसे में कितना दूर तक जाएंगे वे? हाँ